लो बहन सोनिया जी अपना गिफ्ट लो। ये तुम लोगों को तो मालूम ही है कि दिवाली के मौके पर मैं गांव के हर घर में एक एक गिफ्ट देता हूँ। अब दिवाली का मौका चल रहा है, इसीलिए मैं गांव में सब लोगों को गिफ्ट बांट रहा हूँ। सब लोग लाइन से खड़े हो जाओ, मैं सबको गिफ्ट दूंगा। मोदी जी ये तो बहुत ही अच्छा काम करते हो आप, दिवाली के मौके पर पूरे गाँव के लोगों को गिफ्ट बांटते हो, बहुत अच्छा काम करते हो। मोदी जी मुझे तो आपने गिफ्ट दे दिया, अब राहुल को भी एक गिफ्ट दे दो। अरे नहीं बहन सोनिया जी, राहुल को गिफ्ट क्यों दूंगा, मैं एक घर में एक ही गिफ्ट दे रहा हूँ। अब राहुल और तुम तो एक ही घर के हो, तुम्हारे घर में एक गिफ्ट दे दिया मैंने, अब आपको गिफ्ट मिल गया, आप लाइन से हट जाओ, ममता दीदी को गिफ्ट देने दो। मोदी जी ये तो कोई बात नहीं हुई, एक गिफ्ट आपने मम्मी जी को दिया है तो एक दिवाली का गिफ्ट मुझे भी दो। अरे राहुल तुम समझ नहीं रहे हो, मैं कोई गाँव के हर व्यक्ति को गिफ्ट थोड़ी दे रहा हूँ, परिवार में एक गिफ्ट दे रहा हूँ, यानी कि हर घर में एक गिफ्ट। ऐसी तो अगर मैं गाँव के हर व्यक्ति को गिफ्ट दूंगा तो इतने तो गिफ्ट मेरे पास है भी नहीं। राहुल मोदी जी सही तो कह रहे हैं, एक घर में एक ही गिफ्ट सही तो है, और मोदी जी के गिफ्ट भी काफी बड़े बड़े हैं। ये देखो मिठाई के डिब्बे काफी बड़े लग रहे हैं। मोदी जी एक मिठाई के डिब्बे में कितनी मिठाई है? लालू जी एक मिठाई के डिब्बे में एक एक किलो मिठाई है, सबको एक एक किलो मिठाई का डिब्बा दे रहा हूँ और कुछ और सामान दे रहा हूँ गिफ्ट पैक है, वो खोल के देखना उसमें क्या निकलता है। लेकिन मोदी जी इस बार आप मिठाई कम दे रहे हो, पिछले साल दिवाली पे आपने गाँव के लोगों को जो गिफ्ट बांटे थे उसमें तो मिठाई दो दो किलो दी थी आपने मिठाई के डिब्बों में, इस बार आप एक एक किलो मिठाई दे रहे हो। अरे बहन सोनिया जी एक किलो मिठाई बहुत है, राहुल और तुम ही दो लोग तो हो, अब एक किलो मिठाई तुम दोनों के लिए काफी हो जाएगी, आधा किलो मिठाई राहुल खा लेगा, ये आधा किलो आप खा लेना। अरे बहन सोनिया जी आप ही खड़ी रहोगी लाइन में, लाइन से हटो, मुझे भी मोदी जी का गिफ्ट लेने दो। साल में एक बार तो दिवाली आती है और दिवाली के मौके पर मोदी जी गिफ्ट बांटते हैं, मुझे बहुत खुशी मिलती है। लो ममता दीदी एक मिठाई का डिब्बा आप भी रख लो। मोदी जी मैं तो आखिर में खड़ा हूँ, पता नहीं मेरा नंबर कितनी देर में आएगा, कहीं तब तक मिठाई के डिब्बे खत्म ना हो जाए। अरे नहीं लालू जी आपको मिठाई का डिब्बा मिलेगा, अगर खत्म हो गया तो दुकान से फिर से लाके दूंगा, लेकिन गिफ्ट सबको मिलेगा, गांव के हर व्यक्ति को मिलेगा, कोई भी नहीं छूटेगा। और मोहन सिंह जी तुम्हारे हल कोई दिमाग में आया? हाँ मोदी जी अमित शाह जी का एक हल है, वो मेरे दिमाग में आया, उसी हल को ले जाऊंगा कल, उसी हल से जुताई करूंगा खेतों की। मनमोहन सिंह जी मैं तुमसे क्या पूछ रहा हूँ और तुम क्या बोल रहे हो? मैं तुमसे ये कह रहा हूँ पूरा गांव बेरोजगारी से जूझ रहा है, कोई काम काज नहीं है। तुमने ये बताया था कि मेरे एक दोस्त है शहर में राजनाथ सिंह जी, उनसे बात करोगे, वो अपने गाँव के सब लोगों को शहर में अच्छी मजदूरी पे लगवा देंगे, तुमने बात की उनसे? अच्छा मोदी जी इस हल की बात कर रहे हो? हाँ इस समस्या का हल मैंने सोच लिया है, लेकिन इस समस्या का हल निकल नहीं पाया। मैंने राजनाथ सिंह जी से बात की शहर में, वो कह रहे हैं शहर में भी बेरोजगारी फैली पड़ी है, यहाँ पे मत आना, अपने गांव में ही हल बैल से खेती बाड़ी करो। लेकिन मनमोहन सिंह जी एक बात बताओ, बारिश हुई नहीं है 2 महीने से, खेत बंजर पड़े हैं, खेती बाड़ी भी कैसे हो जाएगी, गर्मी इतनी ज्यादा पड़ रही है, नदी नाले भी सूख पड़े हैं, तो फसल कैसे पैदा होगी? तो मोदी जी किसी जगह काम करने के लिए तो जाना ही पड़ेगा, यहाँ गांव में रह के कोई फायदा नहीं होगा। अब योगी जी क्या बताऊँ मैं, मैंने मनमोहन सिंह जी से कह दिया था कि शहर में कोई काम हो तुम राजनाथ सिंह जी से पूछ लेना, लेकिन अब ये बता रहे हैं कि इनकी राजनाथ सिंह जी से बात हुई, वहाँ पर भी कोई काम नहीं है। तो मोदी जी एक बात बताओ, इस गांव में ऐसे खाली कब तक खाते रहोगे? पिछले साल जो अनाज पैदा हुआ था खेतों में वो सब का सब मैं खा चुका, कहीं कोई काम करवाने वाला आ ही नहीं, मजदूरी हो ही नहीं पा रही है, क्या करा जाए? लालू जी तुम्हारे तो घर का अनाज था, तुम्हारी फसल का अनाज था, वो तुम खा चुके, मैं तो उधार लेके दुकान से सारा का सारा अनाज खा गया, मेरे ऊपर कम से कम 10,000 रुपए का कर्जा हो गया है। मोदी जी वैसे मेरे एक दिमाग में एक आइडिया आ रहा है, उस आइडिया के हिसाब से आप सब लोग अगर चलोगे तो ये बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। तो बताओ ना मनोहर लाल खट्टर जी कौन सा वो आइडिया है, कुछ तो बताओ, जल्दी बताओ। देखो वो जो आइडिया आया था वो आइडिया आया मेरे दिमाग में अचानक, मैं भूल गया, अब मैं रात में सोच के याद करूंगा वो कौन सा आइडिया था जिससे कि बेरोजगारी खत्म हो जाए। फिलहाल बहुत अच्छा आइडिया मेरे दिमाग में आया था, लेकिन अचानक आइडिया आया, अचानक मैं भूल गया। चलो अब सब लोग अपना लोग घर चलते हैं, घर चल के सब लोग दिमाग से सोचना कि कौन सा काम करा जाए जिससे कि ये बेरोजगारी खत्म हो। और मैं लोगों को राहुल लालू जी खेत की सिंचाई में ही लगे रहोगे, मैं तीनों लोगों की रोटी लाया हूँ।
मोदी जी की, लालू जी की और राहुल तुम्हारी, और वो देखो मोदी जी अकेले ही सारी की सारी रोटी खाए जा रहे हैं। तुम लोग खेत की रुपाई और सिंचाई में लगे हुए हो, जल्दी आओ खाना खा लो, फिर मत कहना कि तुम भूखे रह गए। मोदी जी ये बात मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, मैंने आपसे कह दिया था कि केजरीवाल जी जब भी घर से रोटी लेकर आएंगे तो मैं, लालू जी और तुम एक साथ मिलकर तीनों लोग खाएंगे, लेकिन ये क्या तुम जाकर सबसे पहले टिफिन खोलकर खाने लगे, मैं और लालू जी खेत की रुपाई करने में लगे हुए हैं। देखो राहुल इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, तुमको खुद समझ लेना चाहिए कि केजरीवाल जी अब खेत पर रोटी लेकर आ गए हैं तो पहले खाना खा लिया जाए, लेकिन तुम तो काम में लगे रहते हो। अरे खाने से ज्यादा जरूरत, इतनी मेहनत करना जरूरी थोड़ी है कोई, मेरा तो एक ही सिद्धांत है, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। लेकिन मोदी जी आप पेट पूजा कर रहे हो, चलो अच्छी बात है, कोई बात नहीं है, और मैं ये भी मानता हूँ कि खेत में तीनों ही लोग अपना लोग मेहनत करते हैं, लेकिन जैसी केजरीवाल जी खेत पर रोटी लेकर आते हैं तुम सबसे पहले टिफिन पर टूट पड़ते हो और अकेले ही तीनों लोगों का खाना खा जाते हो, मेरा भी, राहुल का भी और तुम अपना भी। अभी ये बताओ अगर तुम सबका खाना खा जाओगे तो हम फिर क्या खाएंगे, ये बताओ। तुम्हें मालूम ही है जब यहाँ पर खेत पर बहुत मेहनत की जाती है तो रोटी खाना जरूरी है, बिना रोटी खाए कोई हम इतनी मेहनत थोड़ी कर पाएंगे। लालू जी इन बचकानी बातों से काम नहीं चलेगा, एक बात बताओ, जब मैं टिफिन पर सबसे पहले टूट पड़ता हूँ तुम खाना खाने के लिए पहले क्यों नहीं आती हो, तुम काम में क्यों लगे रहती हो, मैं मना करता हूँ कोई, और तुम ये क्या कह रहे हो कि मैं तीनों लोगों की रोटी खा जाता हूँ, ऐसा तो मैंने कभी नहीं किया। अगर केजरीवाल जी टिफिन में 6 रोटी लाते हैं, अपना तीनों लोगों की 2-2 रोटी होती है, वो अलग बात है, तुम खाना खाने के लिए पहले टिफिन के पास में नहीं आती हो तो मैं अकेले 4 रोटी खा जाता हूँ, 2 रोटी तुम दोनों के लिए छोड़ देता हूँ, एक एक रोटी तो तुम दोनों लोग खा ही लेते हो। अच्छा मोदी जी आप 6 रोटी में से 4 रोटी अकेले खा जाओगे और हमारे लिए 2 रोटी छोड़ोगे, हम एक एक रोटी खाएंगे, ये कोई बात है? मोदी जी ये मेहनत की रोटी है, इस पर ऐसे हक नहीं जमाते। राहुल ये मेहनत की रोटी है तभी तो मैं पहले खाने के लिए झपट पड़ता हूँ, मैं तुमसे बार बार कह रहा हूँ तुम्हें खाने के लिए मना है, पहले खाना खाने के लिए टिफिन के पास आ जाया करो, आओ जल्दी। उसे कबूतर। लेकिन मोदी जी काजे तो कलकत्ता भी होता है, काजे कबूतरी क्यों पढ़ाते हो आप, ये बात मुझे अच्छी नहीं लगती। लालू जी तुम बातें ज्यादा करती हो, इसीलिए हमेशा 10 में से -2 नंबर लाती हूँ। तो मोदी जी 10 में से -2 नंबर मिलते तो है मुझे, 10 में से पूरे -10 नंबर तो नहीं मिलते मुझे, इसका मतलब मैं पढ़ने में अच्छा हूँ? लेकिन फिर भी आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया, कहाँ से कबूतरी क्यों होता है, कहाँ से कलकत्ता क्यों नहीं होता, और कब तक हमें इस पेड़ के नीचे बैठाल के पढ़ाते रहोगे, फीस तो पूरी 100 रुपए महीना लेते हो। लालू जी बस कुछ दिन का इंतजार करो, लोन के लिए एप्लीकेशन डाल दी है मैंने, लोन पास होते ही एक छोटा सा कमरा बना लूंगा, उसी में तुम लोगों को पढ़ाया करूंगा। मोदी जी कमरा तो बनाना ही पड़ेगा, कल बारिश आ गई थी, पूरा दिन आप हमें बारिश में ही पढ़ाते रहे, और आप ब्लैक बोर्ड पे लिखते कुछ थे, बारिश में भीग के बन कुछ जाता था, इसीलिए एक बिल्डिंग बनवा लो, उसी में हमें पढ़ाया करना, यहाँ नीचे पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ने में मजा नहीं आता। राहुल तुम्हें मजा नहीं आता, मुझे तो इस नीम के पेड़ के नीचे बैठने में और इसके नीचे बैठकर पढ़ने में बड़ा मजा आता है। और लालू जी तुम कह रहे थे अभी के 100 रुपए महीना फीस देते हो, अरे तुमने साल भर के पूरे 100 रुपए जमा किए, तुम तो 10 रुपए महीना से भी कम फीस देती हो, 10 रुपए महीना फीस देती हो और बिल्डिंग में पढ़ने की बात करती हो, ये एक गरीब स्कूल है और इसमें पढ़ने वाले भी सब लोग गरीब हैं, तो इसी तरीके से पढ़ते रहो जैसे बैठ के पढ़ रहे हो। लेकिन मोदी जी अभी तो आप कह रहे थे कि लोन के लिए मैंने एप्लीकेशन डाली है, लोन पास होने वाला है। अरे वो तो मैं मजाक कर रहा था तुम्हारा दिल रखने के लिए, यही पेड़ के नीचे पढ़ते रहोगे तुम हमेशा। पता नहीं आज अखिलेश पढ़ने के लिए क्यों नहीं आया, अरे अखिलेश आ गया, अखिलेश इतनी लेट कैसे आए हो पढ़ने के लिए? मोदी जी अगर मैं जल्दी आ जाता तो जल्दी भी ऐसी कौन सी चीज आप मुझे पढ़ा देते, आपने कहाँ से कबूतरी पढ़ाया होगा, कहाँ से कानपुर थोड़ी पढ़ा दोगे तुम? अखिलेश टीचर से इस तरीके से बात करते, जाके नीचे जमीन में बैठू। वैसे अखिलेश पढ़ा तो मैं कहाँ से कबूतरी रहता। लेकिन मोदी जी आप तो कह रहे थे इस महीने बेंच ले आओगे, बेंच पे बैठ के पढ़ाया करोगे, नीचे जमीन में बैठे बैठे पैरों में दर्द होने लगता है। केजरीवाल जी ऐसी जमीन में नीचे बैठे रहो, 10 रुपए महीना फीस में तुम बेंच के ऊपर बैठ के थोड़ी पढ़ोगे, नीचे जमीन में ही बैठ के पढ़ो, और साइकिल को यहीं पे रोक लो, यहीं पे रोक लो। बोलो मोदी जी क्या बात है, बताओ क्या बात है? बहन सोनिया जी आप तो जानते ही हो कि 8 बजे तक स्कूल पहुंचना ही पहुंचना है, आप तो साइकिल से जा रही हो और मैं पैदल जा रहा हूँ, आप तो 8 बजे तक स्कूल पहुंच जाओगी लेकिन मैं पैदल स्कूल नहीं पहुंच पाऊंगा, क्योंकि जिस स्कूल में अपना लोग पढ़ने के लिए जाते वो स्कूल 2 गांव पार करके है, कम से कम 5 किलोमीटर दूर। तो मोदी जी ये मुझे क्यों बता रहे, ये सब तो मुझे पता है, आप बताओ आपको क्या काम है, आपने मुझे किस लिए रोका है बताओ? बहन सोनिया जी तो कहने का यही मतलब है, अगर आप अपनी साइकिल पे मुझे पीछे बैठा के ले चलती तो मैं टाइम से स्कूल पहुंच जाता आपके साथ ही,
नहीं तो मुझे पैदल स्कूल जाने में बहुत वक्त लगेगा। मोदी जी, मैं अपनी नई साइकिल पे तो आपको नहीं बैठा सकती, आप देख ही सकती हो, आपको पता भी है मैंने अभी कुछ ही दिन हुए नई साइकिल खरीदी है और इस नई साइकिल को मैं सही तरीके से चलाना भी नहीं जानती, तो इस नई साइकिल पे मैं आपको नहीं बैठा सकती। बहन सोनिया जी, आप तो अजीब बात कर रही हो, आपकी क्या साइकिल हमेशा नहीं रहेगी? और नई साइकिल पे मुझे बैठाने से क्या हो जाएगा, पुरानी हो जाएगी। चलो कोई बात नहीं है, आप बहाने बना रही हो, अपनी साइकिल पे नहीं बैठाना चाह रही हो, मत बैठा लो, स्कूल तो मैं पहुंच ही जाऊंगा किसी भी तरीके से पहुंचूं। अरे लालू जी आ गए, लालू जी अपनी साइकिल पे मुझे बैठा लेंगे। लालू जी रुक जाओ, अपनी साइकिल को रोक लो। मोदी जी आप तो जानते ही हो, ये साइकिल इतनी पुरानी है कि अंग्रेजों के जमाने की साइकिल है ये साइकिल मुझे तो बड़ा मुश्किल से लेके चलती है, और इसके ऊपर मैं अगर 1 किलो वजन भी रखता हूँ इसकी हवा फुस्स से निकल जाती है। तो मोदी जी मैं इस पुरानी साइकिल पे आपको तो अपने साथ नहीं बैठा सकता, किसी और के साथ आ जाओ, पीछे मायावती जी आ रही हैं, उनके साथ आ जाओ। चलो कोई बात नहीं लालू जी, आपकी साइकिल तो वैसे भी पुरानी है, जगह जगह आपकी ये साइकिल खराब हो जाती है, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। बहन मायावती जी अपनी साइकिल पे मुझे बैठा के ले चलो। मोदी जी एक बात बताओ, सबके पास साइकिल है, सबको पता है स्कूल इतनी दूर है, लेकिन आप पैदल ही खड़े हो जाते हो और किसी न किसी की साइकिल पर बैठने को कहती हो, ऐसे आपको कब तक कौन साइकिल पे बैठा लेगा, मैं तो आपको नहीं ले जाऊंगी। कोई बात नहीं बहन मायावती जी, ममता दीदी आप अपनी साइकिल पे मुझे बैठा के स्कूल ले चलो, नहीं तो स्कूल जाने में मुझे देर हो जाएगी। चलो मोदी जी कोई बात नहीं, आपको देर हो जाएगी, मेरी साइकिल पे बैठ जाओ, आ जाओ। और सही से राहुल, सही से पेटी में से मधुमक्खियों के शहद की ट्रे हल्के से निकालो, जैसे मैंने हाथ में पकड़ रखी है वैसी हल्के से, नहीं तो ये मधुमक्खी अगर भड़क गई तो बहुत बुरा हाल कर देंगी, सही से निकालो। मोदी जी जब से आपने मधुमक्खियों से शहद बनाने का धंधा शुरू किया है तब से मैं आपके यहाँ पे मजदूरी कर रहा हूँ, और पता नहीं ये मधुमक्खी मुझे कितनी बार ये बहुत बुरी तरीके से डंक मारती है। लेकिन मोदी जी मुझे एक बात समझ में नहीं आती, ये शहद इतना ज्यादा मीठा क्यों होता है? राहुल ये तो मीठा होता है बस कुदरती, लेकिन देखो इस ट्रे में तो मधुमक्खियों ने शहद बनाया ही नहीं है जो मेरे हाथ में ट्रे है, ये मधुमक्खियों से शहद बनाने का व्यापार भी बिल्कुल ठंडा होता जा रहा है। पहले एक दिन में ये मधुमक्खी कम से कम 10-10 किलो शहद बना देती थी, लेकिन आजकल ये मधुमक्खी मुश्किल से 1 किलो शहद बना पाती है। मोदी जी ये मधुमक्खी फूलों से रस चूसती है, और फूलों का भी तो सीजन चला गया, मैंने तो यही सुना है, आपके नजर में और कोई बात हो तो आप बताओ। लानू जी आप भी बेतुकी बात करती हो, मेरी नजर में क्या बात होगी, फूलों से ही रस चूसती है ये मधुमक्खी। हाँ तुम्हारी इस बात का समर्थन करता हूँ मैं, आजकल फूलों का सीजन चला गया इसीलिए ये ज्यादा शहद नहीं बना पा रही है मधुमक्खी। अखिलेश तुम कैसे चुप खड़े हो, तुम्हारी ट्रे में कितना शहद है बताओ, फिर शहद को निकालना चाहे। मोदी जी मेरी इस ट्रे में भी बिल्कुल शहद नहीं है, आज मधुमक्खियों ने शहद बनाया ही नहीं है। मोदी जी एक बात और मैं कह देता हूँ, कल से काम पे नहीं आऊंगा, मैं कितनी बार कह चुका हूँ, मुझे एक हेलमेट मंगा दो। केजरीवाल भी तो शहद का व्यापार करते हैं, उन्होंने सब मजदूरों को हेलमेट ला के दे दिए जिससे कि मधुमक्खी उनके सर पर कहीं पे भी डंक नहीं मार दी है। मोदी जी अखिलेश बिल्कुल सही कह रहा है, एक हेलमेट तो आपको लाकर देना ही पड़ेगा। अरे एक तो ये मधुमक्खी बड़ा शरारती होती है, जगह जगह डंक मारती रहती है, और डंक मारेंगी भी क्यों नहीं, अपना लोग इनका शहद भी तो ले लेती हो, इसीलिए आप एक हेलमेट ला के दे दो हम तीनों लोगों को, फिर ये मधुमक्खी हमारे कम से कम सर पे तो डंक नहीं मारेंगी। राहुल तुम तीनों लोग काम बहुत कम करते हो और बातें बहुत ज्यादा करते हो, अब ये देखो मेरे हाथ में भी तो मधुमक्खियों की ट्री है, मैं तो कोई हेलमेट पहना हुआ नहीं हूँ, एक तो ये मधुमक्खी वैसी शहद नहीं बना रही है ज्यादा, ऊपर से तुम्हें हेलमेट चाहिए। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।